हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर क्लास। आई एम पूजा यादव फ्रॉम शुभ्र सिंह चिल्ड्रन एकेडमी। स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू मैथ्स, बिकॉज टुडे इज योर मैथ्स टर्म। आज आपका मैथ्स का टर्म है, सो आई विल टीच यू मैथ्स। एंड टुडे इज योर टॉपिक इज एडिशन। जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारा एडिशन चल रहा है, तो अभी हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? एडिशन पढ़ा रहे हैं। और एडिशन का ये जो आज का एक्सरसाइज है, थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि थोड़ा आपको इसमें क्या करना है, ऐड तो करना ही है, बट उसका आंसर आपको पहले से यहाँ पे लिखे हुए मिलेंगे। बट आपको क्या करना है, उनको सर्च करके करेक्ट आंसर से मैच करना है। योर टॉपिक एडिशन, मैच द करेक्ट आंसर। ओके, एडिशन है ये, क्या है एडिशन है, आपको ये जो नंबर दिए गए हैं ये आपको पहले ऐड करना है, उसके बाद क्या करना है, मैच द करेक्ट आंसर। उसके बाद पहले आप जब ऐड कर लेंगे उसके आंसर को, ऐड करके आपको जब आंसर पता हो जाएगा, तो उसको उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ से सारे नंबर्स देखना है और करेक्ट आंसर को सर्च करके उस नंबर से, उस सम से, उस आंसर को, उसके आंसर से उसको मैच करना है। ओके, क्लियर, समझ में आया? एक बार फिर से बता रहे हैं, ये सम है, ये आपको ऐड करना है, यहाँ पे नंबर दिया गया है और इसे ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर यहाँ पे है, इन्हीं में से उस आंसर को सर्च करके इस एडिशन को उसके आंसर से ले जाके मैच करना है। ओके, क्लियर, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स लुक एट द बोर्ड, हैव अ लुक, हियर इज सम नंबर्स। पहले से जो है, पहले नंबर्स, कुछ नंबर्स यहाँ पे पहले से देख चुके हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे वन बाय वन और उसके बाद उसके आंसर से मैच करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। लुक एट, तो फर्स्ट डिजिट इज योर 1 + 2, है ना? तो पहला है हमारा 1 + 2। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 1 पेंसिल है, ठीक, और मेरे पास 2 पेंसिल है, तो 1 पेंसिल आपके पास और 2 पेंसिल मेरे पास, दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 and 1, तो मेरे पास 1 2 3 कितने टोटल पेंसिल हो जाएंगे, अगर दोनों को एक साथ कलेक्ट कर देंगे, एक साथ रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पेंसिल। ओके, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, 1 और यहाँ पे 1 2, क्लियर? अब इनको क्या करना है, काउंट करना है, 1 2 3, तो हमारा आंसर क्या आया है, 1 + 2 = 3। अब हमें यहाँ पे नंबर सर्च करना है, 5 6 9 3, ये देखिए मुझे यहाँ पे इसका आंसर मिल गया। मैंने कहा था ना आपको कि मैंने पहले से यहाँ पे आंसर लिख रखे हैं, आपको उस क्वेश्चन से आंसर को उसके आंसर से मैच करना है। तो ये हमारे फर्स्ट का जो आंसर है वो है 3, तो हमें यहाँ से लाइन ड्रॉ करना है और उस लाइन को हमें यहाँ पे ले जाके यहाँ से मैच कर देना है। ठीक है, अच्छा, ये देखिए पहला मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, इस सम का आंसर है 3, तो हमने इस सम को ले जाके इस क्वेश्चन के इसके आंसर से 3 से मैच कर दिया। इसी तरह से इस एक्सरसाइज को आपके अपनी बुक में भी करना है और कॉपी में भी करना है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आता है नेक्स्ट नंबर पे, 3 + 2, ठीक है, 3 + 2। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 3 + 2 कितना होता है, तो आपको क्या करना होगा, तो पहले 3 के लिए 3 लाइंस काम करना ड्रॉ करना है और 2 के लिए 2 लाइंस ड्रॉ करने। ओके, ठीक है, 1 2 3 हो गया, 1 2 3, एंड नंबर 2 के लिए 1 2, ये मैंने लाइंस ड्रॉ कर ली है, ठीक है, है ना? तो इनको हमें क्या करना है, अब काउंट करना है एक साथ। लेट्स काउंट विद मी, 1 2 3 4 5, तो इसका टोटल आंसर कितना है, 3 + 2 = 5, 3 + 2 = 5, तो इसका आंसर क्या है, 5, है ना? आंसर क्या है, 5। ये बात आपने दिमाग में रखिए, ध्यान से पहले काउंट कर लीजिए और 5 इसका आंसर, ये अपने दिमाग में रखिए कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, 5। अब हमें नंबर कौन सा सर्च करना है, 5 नंबर सर्च करना है, सेकंड नंबर के लिए क्वेश्चन के लिए हमें 5 नंबर सर्च करना है, जो हमें यहाँ पहले दिख रहा है। ये देखिए ये जो सर्कल है, ये फर्स्ट सर्कल में ही हमें इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल गया, तो हमें क्या करना होगा, अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करके यहाँ आंसर तक ले जाना है। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, 5 है, तो यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को इसके आंसर के पास ले जाके मैच कर दिया। आपका देखिए टॉपिक क्लियर, मैच द करेक्ट आंसर।
आपको करेक्ट आंसर से मैच करना है क्वेश्चन, ओके है ना इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा ये डिफरेंट है। और इसको आप जब करेंगे घर पे अपनी कॉपी में तो आपको बहुत मजा आएगा। आप अपनी मम्मी से पापा से बोलिए आपको अलग अलग डिजिट करके दें और डिजिट अलग आपका चेंज कर दें और आंसर इस तरह से दे दें और आप उसको खुद से ऐड कर करके सारे आंसर्स को मैच करिए क्वेश्चन से, ओके। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 + 2 है ना, 2 + 2 है तो अब 2 + 2 के लिए के आंसर को पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 + 2 के आंसर को पता करने के लिए हमें लाइन्स ड्रॉ करने हैं, 2 के लिए हमें यहाँ पे 1, 2 लाइन्स ड्रॉ करने हैं और फिर क्या है अगला नंबर हमारा 1, 2 है तो 2 के लिए फिर से हमें 1, 2 ये 2 नंबर्स ड्रॉ करने होंगे, ओके। अब हमें ये 2 + 2 नंबर लिख लिए हैं यहाँ पे, 2 के लिए 2 लाइन्स ड्रॉ कर लिए, 2 के लिए 2 लाइन्स ड्रॉ कर लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें वो सारे लाइन्स को एक साथ काउंट करना है, ओके। 1, 2, 3, 4 ओके, 2 + 2 = 4 तो ये 2 + 2 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 ओके क्लियर। तो हमें क्या करना है, 4 नंबर वहां पे सर्च करना है आंसर में सर्कल्स में और उसके बाद इस क्वेश्चन को उसके आंसर से मैच कर देना है। तो चलिए सर्च करते हैं, फर्स्ट इज योर 5, सेकंड 6 एंड थर्ड इज योर 9, फोर्थ नंबर इज योर 3 एंड फिफ्थ नंबर, ओके क्लियर। ये देखिए यहाँ पे आपको मिल गया आंसर, आंसर इज योर 4, तो थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है उसका आंसर है 4, तो ये हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, तो अभी हमें क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को उसके आंसर से मैच करना है, ओके। तो चलिए मैच करते हैं, ये देखिए मैंने मैच कर दिया, ओके। फर्स्ट में हमारा है आंसर 3, हम सेकंड में है 5 और थर्ड में है आंसर 4। अब आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है, ओके। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा 4 + 2 4 + 2 तब इसके लिए क्या करना होगा, इसके आंसर को पता करने के लिए चलिए बताइए फटाफट, यस वेरी गुड, हमें लाइन्स ड्रॉ करने हैं, जो नंबर दिए गए हैं उन नंबर के लिए उतने ही लाइन्स ड्रॉ करने हैं, ओके। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर है 4, ओके। तो 4 के लिए हमें क्या करना है, 4 लाइन्स ड्रॉ करने हैं, ड्रॉ करते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ठीक है, 1, 2, 3, 4 ये हमारा क्लियर हो गया। और नेक्स्ट नंबर है हमारा 2, तो 2 के लिए क्या करें, 2 लाइन्स ड्रॉ करना है, 1, 2 4 लाइन्स 2 लाइन्स, अब इनको एक साथ काउंट करते हैं कितने लाइन्स हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल कितने लाइन हो गए हमारे, 6 लाइन्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 + 2 = 6। अब हमें 6 आंसर सर्च करना है, तो यहाँ पे हम सर्च सर्कल्स में देख रहे हैं, तो उन सर्कल्स के पास जाते हैं और ढूंढते हैं सर्च करते हैं, तो क्या भैया फर्स्ट इज योर 5 एंड सेकंड नंबर इज योर 6, वाओ वेरी गुड, एंड 4 + 2 = 6 तो 4 + 2 कितना होता है, 6 होता है और हमें क्या ढूंढ रहे हैं, आंसर 6 ढूंढ रहे हैं जो हमें यहाँ पे सेकंड नंबर पे मिला है, ओके। तो अभी क्या करना है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन को 6 सेकंड नंबर सर्कल पे है ना 6, उस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन को उस आंसर से मैच करना है, चलिए मैच करते हैं। ये हम यहाँ से लाइन्स ड्रॉ लाइन ड्रॉ करेंगे, ये देखिए इस तरह से और उसके बाद हम यहाँ पे देखिए आंसर 6 के पास पहुंचे, 4 + 2 = 6 क्लियर। ये 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 6, तो हमने यहाँ पे 6 से मैच कर दिया, ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, हमारा अगला है एडिशन जो है 6 + 3 क्या है, 6 + 3 ओके, 6 + 3 तो हमें क्या करना होगा, जी हाँ बिल्कुल सही, हमें लाइन्स ड्रॉ करनी है, ओके। तो हम पहले जो फर्स्ट डिजिट है हमारा वो है 6, तो 6 के लिए हमें कितने लाइन्स ड्रॉ करने होंगे, 6 के लिए हमें 6 लाइन्स ड्रॉ करने होंगे, तो चलिए स्लोली स्लोली आप भी ड्रॉ करिए और मैं भी कर रही हूँ ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो, लुक एट हियर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जहाँ पे आपको 6 आ जा रहा है काउंट कर रहे हैं लाइन्स ड्रॉ कर रहे हैं,
जहाँ पे 6 हो गया आप वहाँ पे काउंटिंग ड्रॉइंग स्टॉप कर दीजिए, वहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है स्टॉप कर दीजिए। उसके बाद हम आते हैं, अब उसको एक बार फिर से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 तो है ना, कहीं आपने ज़्यादा तो नहीं कर दिया, कहीं आपने कम तो नहीं कर दिया। तो आप वेरीफाई करने के लिए ज़रूर से 2 times तो ज़रूर काउंट कर लीजिए जो आपने लाइन्स को ड्रॉ कर रखा है, ताकि आपका मिस्टेक ना हो और आंसर आपका रॉन्ग ना हो। ओके, ये हमारा 6th लाइन ड्रॉ हो गया है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम सेकेंड नंबर पर आते हैं जो है हमारा 3, और 3 के लिए हमें क्या करना होगा, 3 lines ड्रॉ करनी है। ओके, तो चलिए 3 lines ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 क्लियर। ये देखिए हमारा यहाँ पे 3 lines हो गए हैं, ये मैंने 3 lines यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। अब काउंट करते हैं, 1 2 3 आप क्योंकि छोटे हैं तो बहुत आराम से इजीली काउंट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम लीजिए अपना, आप आराम से करिए, कोई प्रॉब्लम, बट आपका आंसर सही होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे से आंसर सही आंसर कर रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम आप थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं, बट आप आंसर को करेक्ट करिए। ओके, अब क्या करना है हमें, लाइन्स को ड्रॉ कर लिए, 6 number के लिए 6 lines ड्रॉ किए, 3 numbers के लिए 3 numbers 3 lines ड्रॉ कर लिए। अब क्या करना है, चलिए बताइए फटाफट। बिल्कुल सही, हमें आप इनको ऐड करना है, काउंट करना है सबको एक साथ। ओके, चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 योर आंसर इज 9। वंस अगेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जब आप क्लास में होते हैं और जब आपको हम एडिशन सिखा रहे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, जब आप काउंट करते हैं ऐसे बोल बोल के लाइंस को ड्रॉ करते हैं, काउंट करते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे देखने में। और सारे बच्चे आपस में डिस्कस करके अपना आराम से इजीली इतने लाइन से इतने लाइन से, तो वो मोमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उम्मीद है मैं मिस कर रही हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे, तो आप करिए घर पे सीखिए, ये मेरे लिए और अच्छी बात रहेगी कि आप सीख रहे हैं, तो आप इनको ज़रूर सीखिए, एडिशन करिए घर पे, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लीजिए, बड़ा करिए। ओके, तो क्या हुआ आपका आंसर, 9, आंसर 9। तो आंसर 9 हमें यहाँ पे सर्च करना है, कहाँ पे, ये सामने जो सर्कल्स दिए गए हैं इन सर्कल्स पे हमें आंसर 9 सर्च करना है। तो चलिए सर्च करते हैं, 1st 0 5, 2nd 0 6 एंड 3rd 0 9। वाओ, वेरी गुड, ये देखिए मुझे मिल गया, ये क्वेश्चन नंबर 5th का आंसर हमें यहाँ पे मिला है 3rd सर्कल पे। तो हमें क्या करना है, ये 9 को इस लास्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन को यहाँ पे 9 से ले जाकर मैच कर देना है। लुक एट हियर, 6 + 3 = 9। ओके, क्लियर। चलिए एक बार सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं, 1 + 2 = 3, 3 + 2 = 5, 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6, 6 + 3 = 9। स्टूडेंट, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, लाइन्स जब आप ड्रॉ कर रहे हैं तो ये जो मैचिंग वाली लाइन है इसको जब आप ड्रॉ करते हैं तो ये भी बहुत ध्यान से ड्रॉ करिए, और लाइन हॉच पॉच मत करिए, क्लियर आपकी मैचिंग होनी चाहिए, अदरवाइज चेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है बेटा। तो आप प्लीज़ उसको क्लियर, लाइन आपकी क्लीन होनी चाहिए, जो भी आप मैचिंग कर रहे होते हैं तो एक दूसरे से थोड़ा कम मैच करने की कोशिश करिए, अगर हो सके तो नीट एंड क्लीन करिए। ओके, ठीक है, तो फिर आपको ये एक्सरसाइज उम्मीद है समझ में आ गया है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको फिर से आपको एक्सरसाइज करके कॉपी में दिखाऊंगी, आप उसको कॉपी में सॉल्व करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।